हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 20 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके अलोंग विद सम करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने वर्ष 2019 के लिए इंडिया की जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट की है। आईएमएफ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी फॉर 2019 इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 7.5%। IMF ने मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की GDP 2019 के लिए 7.5% प्रोजेक्ट की है। ये जो डेटा मैंने लिया हुआ है ये thehindu.com से लिया हुआ है, आप इसके बारे में इसके आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक और स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है कि IMF ऑन मंडे फोरकास्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.3% इन 2018। मींस यहाँ पे आपके दो फैक्ट कवर हो रहे हैं, एक तो ये कि 7.3% IMF ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की है 2018 के लिए। Meanwhile, अगर बात की जाए 7.5% जो कि प्रोजेक्ट की गई है 2019 के लिए, ओके okay? तो ये आप स्टेटमेंट, ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि 7.3% इज फॉर 2018 एंड वेयर एज फॉर 2019 इट्स 7.5%। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं जो कि मॉरिस ऑस्टफील्ड का दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द IMF है। उनका स्टेटमेंट आया है कि इंडियाज ग्रोथ रिमेन क्वाइट रोबस्ट इन टू द फ्यूचर, इट इज डाउन बट इट इज क्वाइट इट इज ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली, ओके। तो ये आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। अब बात चलिए IMF की, तो IMF के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जानते हैं IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ओके। अब इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी डेट याद रखिएगा, इट इज 27th of December 1945। याद रखिएगा 27th of December 1945 को ही IMF की स्थापना हुई थी। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कुछ एग्जाम में पूछी गई। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि IMF के टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी, तो IMF के टोटल मेंबर हैं 189। याद रखिएगा IMF के टोटल 189 मेंबर हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि IMF में लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है, मींस विच वाज द लास्ट मेंबर ऑफ द IMF, और पूछा जा सकता है कि 189th मेंबर कौन है, तो ये है नाउरू, ओके, NAURU, जो कि एक माइक्रोनेशियन कंट्री है, ओके, जो लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। तो आप याद रखिएगा 189th मेंबर है नाउरू और टोटल 189 मेंबर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। इसने इंडिया की GDP 2019 के लिए प्रोजेक्ट की है 7.5%। मीनवाइल अगर 2018 की बात की जाए तो इसने 2018 की GDP 7.3% प्रोजेक्ट की है। अब इसके बारे में हम एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि IMF के प्रेजेंट जो CEO है उनका नाम क्या है, तो ये है क्रिस्टीन लगार्डे। क्रिस्टीन लगार्डे इज द करंट CEO ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आप जान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में, ओके, Washington DC में। अब हम एक मैप देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसके हेडक्वार्टर की, और जो लास्ट मेंबर जो ऐड किया गया है नाउरू वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आप देख सकते हैं मैप, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इसमें आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल क्या है, Washington DC। अब DC का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ओके। यहाँ पे हेडक्वार्टर है IMF का, ओके। और लास्ट मेंबर की अगर बात की जाए कि कौन सा मेंबर ऐड हुआ है जो कि है नाउरू, तो उसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ मैप में। तो आप ये देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इसके अंदर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर देखेंगे अगर जूम करके तो आपको मिलेगा नाउरू आइलैंड, ओके, लेट मी जूम इट, ओके, ये आप देख सकते हैं नाउरू। तो ये है 189th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये आप काफी जूम करके अगर देखेंगे तो आपको ये देखेगा नाउरू, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है पौधागिरी, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मींस अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कॉल्ड पौधागिरी इनिशिएटेड बाय विच स्टेट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हरियाणा। हरियाणा स्टेट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है एक ट्री प्लांटेशन का जिसका नाम है पौधागिरी, जिसके माध्यम से 6th से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको इसमें पार्टिसिपेट करना है और एक प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ लगाना है। हरियाणा गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर बच्चों को अगर सिलेबस के करिकुलम में अगर उनके ट्री प्लांटेशन अगर जोड़ा जाएगा तो इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा इससे एसोसिएटेड। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएट होता है, वो ये है कि हरियाणा की कैपिटल क्या है। अब ये तो काफ़ी ईजी आप बता देंगे कि चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, ओके,
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो ये है ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर ने चंडीगढ़ की स्थापना की थी, मीन्स चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कहा जाता है ली कार्बूसियर को। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, वो किस और दूसरे राज्य की कैपिटल है, तो आप ये जानते हैं कि ये पंजाब की भी कैपिटल है। अब इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सीएम कौन है हरियाणा के, तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर, MLK। मनोहर लाल खट्टर इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इसके अलावा आपसे इसका गवर्नर पूछा जा सकता है, तो आप गवर्नर में मार्क करेंगे। जो हरियाणा के गवर्नर हैं वो हैं कैप्टन सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी इज द करेंट गवर्नर ऑफ द हरियाणा, जिनको एडिशनल चार्ज भी मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश का। ओके, हिमाचल प्रदेश का इनको एडिशनल चार्ज मिला है, कप्तान सिंह सोलंकी को, जो कि हरियाणा के प्रेजेंट टाइम गवर्नर हैं। और सीएम आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स कहाँ पे आयोजित हुई है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल विल बी हेल्ड एट इंदौर। ओके, इंदौर आप देख सकते हैं मैप में भी, इंदौर में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल आयोजित की गई। इसके अलावा आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में फर्स्ट रैंक किस सिटी का है, तो ये है हमारी इंदौर। ओके, और ये लगातार 2 बार से, मीन्स 2017 में भी स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई, तो ये शुरुआत इसकी हुई थी 2016 से। अगला क्वेश्चन है, 2018 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई है फिनलैंड में। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हिमा दास ने इस पे गोल्ड मेडल जीता है ट्रैक इवेंट पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आपसे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये फिनलैंड में स्पेसिफिकली किस शहर में आयोजित की गई, तो हम मैप देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये आप देख सकते हैं मैप यूरोप का। ओके, अगर मैं थोड़ा इसको जूम इन करूंगा तो आप देखेंगे फिनलैंड में हेलसिंकी इसकी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे इवेंट आयोजित नहीं किया गया था। इवेंट जो हुआ था IAAF का, ये हुआ था टेम्पियर में, याद रखिएगा, टेम्पियर इज द लोकेशन वेयर IAAF इवेंट टुक प्लेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने मैप देखा हुआ है, तो इसके लिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन सा देश शामिल है, तो ये हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और देन आइसलैंड। हमें इनकी कैपिटल भी मालूम होना चाहिए। डेनमार्क की तो आप जानते हैं कि डेनमार्क की कैपिटल है कॉपेनहेगन। ओके, आप देख सकते हैं कॉपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ये। और अगर बात की जाए दूसरी कैपिटल्स की, तो नॉर्वे की आप जानते हैं ओस्लो। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन का जन्म हुआ। और अगर बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन आप जानते हैं स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए फिनलैंड की, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी, तो ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हिमा दास बिलोंग करती हैं आसाम को। ओके, आसाम को बिलोंग करती हैं हिमा दास। और अगर आपसे पूछा जाए आसाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट कि आसाम के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं सर्वानंद सोनवाल। याद रखिएगा, मिस्टर सर्वानंद सोनवाल इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। अगर आपसे पूछा जाए कि आसाम के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो वो हैं मिस्टर जगदीश मुखी। मिस्टर जगदीश मुखी इज द करेंट गवर्नर ऑफ आसाम। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि NTPC ने नया सोलर पावर प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया मध्य प्रदेश के। NTPC इनॉग्रेटेड न्यू सोलर पावर प्लांट एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मंदसौर। मंदसौर की अगर बात की जाए, तो आप ये देख सकते हैं मैप में यहाँ लोकेटेड है मंदसौर। तो मंदसौर में NTPC ने नया सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा कि NTPC की स्थापना कब हुई, तो NTPC की स्थापना हुई है 1975 को। ओके, 1975 को NTPC स्टैब्लिश हुई। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके करंट चेयरमैन कौन है, तो वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं करंट चेयरमैन है गुरदीप सिंह। ओके, और ये मंदसौर में इन्होंने नया सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी कैपेसिटी है 250 मेगावाट।
250 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ओके 1500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रीवियस प्लेलिस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको PDF अपडेट्स या कोई भी लिंक्स चाहिए अगर मेरे चैनल के रिगार्डिंग जो होती है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubey MBPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubey MBPSC या आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक है cyberaditya। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी सजेशन और डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन द YouTube कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।